Okay, good afternoon class. Myself Kritika, I'm lecturer at EC department in Meher Chand Polytechnic College, Jalandhar. Today we will start with a new topic, that is transducer. And this is the syllabus of your transducer chapter. This is the second chapter of your syllabus and transducer is the name of the new chapter. And the first topic is difference between active and passive transducer. So अभी वी विल कवर द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर. सबसे पहले ट्रांसड्यूसर होता क्या है, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे. सो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर और पैसिव ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन क्या है. एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है? एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो होता है जो आउटपुट वोल्टेज या करंट की फॉर्म में जनरेट करता है और उसको कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए होती ऑपरेट होने के लिए. जिसमें हमें एक्सटर्नल एनर्जी कनेक्ट करनी पड़ती है या एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है, वो पैसिव ट्रांसड्यूसर बन जाता है. एक्टिव ट्रांसड्यूसर में हमें कोई भी बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं करना पड़ता और इसकी आउटपुट मोस्टली वोल्टेज और करंट की फॉर्म में होती है. अगर हम पैसिव ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं तो इसमें हमारी आती है कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस. हम सबको पता है ये तीनों के तीनों जो कंपोनेंट्स हैं ये पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं और इसी तरह से पैसिव ट्रांसड्यूसर में भी ये तीनों कंपोनेंट्स यूज हो सकते हैं, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस. तो इसमें जब भी हम पैसिव ट्रांसड्यूसर की बात करेंगे तो उसमें हमारी कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस चेंज होंगे इनपुट सिग्नल के कंपैरिजन में. इनपुट सिग्नल के साथ में हमारे ये तीनों पैरामीटर्स चेंज होंगे और इसमें एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी ताकि हम पैसिव ट्रांसड्यूसर को ऑपरेट कर सकें. सो नेक्स्ट जो आपका सेकंड कंपैरिजन है दैट इज एडिशनल एनर्जी सोर्स. अब एडिशनल एनर्जी सोर्स किसमें रिक्वायर्ड है और किसमें नहीं? एक्टिव ट्रांसड्यूसर में मैंने अभी बताया आपको एडिशनल एनर्जी सोर्स नहीं चाहिए, एडिशनल बैटरी नहीं चाहिए. वेयर एज इन पैसिव ट्रांसड्यूसर वी रिक्वायर एडिशनल सोर्स और एडिशनल बैटरी. और एक्टिव ट्रांसड्यूसर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ये एनर्जी ड्रॉ करता है, मतलब जो भी ट्रांसड्यूसर होता है उसे एनर्जी को खींचता है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए. और पैसिव ट्रांसड्यूसर एनर्जी को लेता है किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से ताकि वो ट्रांसड्यूसर को ऑपरेट कर सके. डिजाइन कैसा है? एक्टिव ट्रांसड्यूसर का सिंपल डिजाइन है. पैसिव ट्रांसड्यूसर में क्योंकि हमें बैटरीज एनर्जी सोर्स कनेक्ट करने पड़ते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. एक्टिव ट्रांसड्यूसर का रेजोल्यूशन कम है और पैसिव ट्रांसड्यूसर का रेजोल्यूशन ज्यादा है. देन आउटपुट सिग्नल जो है वो एक्टिव की अगर हम बात करते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स में आउटपुट सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होता है जो हमें मेजर करना है, मतलब जो हमने सिग्नल को मेजर करना है वो क्या करता है, कोई ना कोई आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया एक्टिव ट्रांसड्यूसर में वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस होते हैं एज अ आउटपुट और इसमें भी यही चीज लिखी हुई है कि आउटपुट सिग्नल क्या होता है, वो हमारा आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस होता है जो भी हम चीज को मेजर करना चाहते हैं उसके कॉरेस्पॉन्ड. और पैसिव में क्या होता है, हम आउटपुट सिग्नल ऑब्टेन करते हैं किसी भी एक्सटर्नल पावर सोर्स से. जैसे अगर मैंने बैटरी कनेक्ट करी तो बैटरी ने क्या किया, बैटरी एक वोल्टेज प्रोवाइड करती है तो बेसिकली उसमें मैंने आउटपुट ली, मतलब एक्सटर्नल बैटरी लगा के आउटपुट को लिया और उसको आगे मैंने ऑपरेट किया. लेकिन एक्टिव में क्या हुआ, मैंने कोई भी आउटपुट नहीं ली, मैंने आउटपुट को जनरेट किया. पैसिव में आउटपुट को ऑब्टेन किया मतलब आउटपुट को लिया और एक्टिव में आउटपुट को प्रोड्यूस किया, ऑपोजिट है दोनों चीजें. एग्जांपल क्या है एक्टिव की? थर्मोकपल, फोटोवोल्टिक सेल. और पैसिव की एग्जाम्पल्स हैं थर्मिस्टर, डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, फोटोवोल्टिक सेल. ये सारे काम कैसे करते हैं ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे. थोड़ा सा मैं आपको एलैबोरेट कर रही हूँ एक्टिव ट्रांसड्यूसर और पैसिव के बारे में. एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? बेसिकली ट्रांसड्यूसर ने एनर्जी को कन्वर्ट करना है, ठीक है. सो एक्टिव ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, ये सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर होते हैं, मतलब कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती. दूसरा, ये जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं ये बहुत ही स्मॉल आउटपुट जनरेट करते हैं, इसीलिए हमने एक्टिव ट्रांसड्यूसर में आउटपुट के बाद हमें एम्पलीफायर्स लगाने पड़ते हैं ताकि जो हमारा आउटपुट सिग्नल है वो एम्पलीफाइड होके हमारे पास ऑब्टेन हो जाए.
एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं टेको जनरेटर, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, थर्मोकपल्स। अब थर्मोकपल हम क्यों यूज करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हम यूज करते हैं फोर्स को मेजर करने के लिए। तो ये सारे क्या हो गए हमारे? एक्टिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर की एग्जाम्पल्स क्या हैं? फोटोवोल्टिक, थर्मो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पीजो इलेक्ट्रिक, केमिकल और बहुत सारे ऐसे। पैसिव ट्रांसड्यूसर्स कौन से होते हैं? पैसिव ट्रांसड्यूसर्स में हम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की बात करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो जहां पे भी हमारी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस चेंज हो रही है इनपुट सिग्नल के साथ, उसको हम पैसिव ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। इसमें कोई भी एक्सटर्नल पावर या एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं, सॉरी, इसमें एक्सटर्नल पावर और एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस ट्रांसड्यूसर के इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज होते हैं, और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के चेंज होने से ही वोल्टेज और करंट और फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। एग्जाम्पल इसकी रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। ये अभी आपको सुनने में लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है या समझ में नहीं आ रहा होगा प्रॉपर। जब हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर की एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके प्रिंसिपल को, उसकी वर्किंग को, उसकी कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसिव और एक्टिव में एक्चुअल डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहे हैं। एग्जाम्पल पैसिव ट्रांसड्यूसर की है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रिएक्टेंस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, हॉल इफेक्ट टाइप, फोटो एमिसिव, फोटो कंडक्टिव, थर्मिस्टर, फोटो कंडक्टर। ये दीज ऑल आर एलवीडीटी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ये सारी आर द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर। सो द फर्स्ट टॉपिक जो था डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर विद एग्जाम्पल, आज हमने वो कवर कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ट्रांसड्यूसर की, और ये जो सारे ट्रांसड्यूसर्स है ये हमने पढ़ने हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप, कैपेसिटेंस टाइप और इंडक्टेंस टाइप। इसके अलावा सॉलिड स्टेट, थर्मोकपल, थर्मो इलेक्ट्रिक, ये सब हम पढ़ेंगे। और जो मोस्टली आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो इसी ट्रांसड्यूसर के बेसिस पे ही हैं। आपके लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल देखो, पहला प्रैक्टिकल था लोडिंग इफेक्ट की हमने कर लिया, लिमिटेशन ऑफ मल्टीमीटर हमने कर लिया है। नेक्स्ट ये फोटो डायोड का करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये अभी हमने करना है, ये दो को छोड़ के। नेक्स्ट फिफ्थ प्रैक्टिकल से देखो, स्ट्रेन गॉज की मेजरमेंट, टेम्परेचर की मेजरमेंट, ह्यूमिडिटी की मेजरमेंट, लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट और डिस्टॉर्शन की मेजरमेंट। ये सारे के सारे आपके ट्रांसड्यूसर चैप्टर्स हैं, मतलब फिफ्थ से लेके नाइन्थ तक। फाइव जो आपके फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, फाइव जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, ये फाइव प्रैक्टिकल इसी चैप्टर को बिलोंग करते हैं। तो जॉन सा भी हम थ्रेटिकल पढ़ेंगे, उसका हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि किस तरह से किसके चेंज होने से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, इसको हमने अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखना। और ये जो दो आपके थर्ड और फोर्थ प्रैक्टिकल है ये न्यू ऐड हुए हैं, वैसे तो ये सारे नए ऐड हुए हैं। थर्ड और फोर्थ जो है ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से ऐड हुआ है। सो ये दो हम लास्ट में करेंगे, पहले हम सारे के सारे ये ट्रांसड्यूसर वाले चैप्टर के रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बुलाऊंगी और आपने आके प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।